बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MTH 301 लेक्चर नंबर 24। अच्छा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केचिंग क्या होती है। तो इसके लिए आपके पास ये एक कंडीशन गिवन थी, R इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, आपने इसका स्केच बनाना था और थीटा की वैल्यू आपने अपनी मर्जी से रखनी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 360 तक रखी। अब आपके पास पाई का मतलब होता है 180। ठीक है, पाई बाई टू का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाई टू। तो आपने कैलकुलेशन की, ठीक है, ये सारी मैंने कैलकुलेशन की, ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब हमने थीटा की वैल्यू क्या रखी, 0। ठीक है, तो साइन 0 पे हमारे पास 0 होता है, तो हमने 0 0 पॉइंट ड्रा करना है। थीटा भी 0 हो और आर की वैल्यू भी 0 हो, तो हमारे पास ये देखिए थीटा यहाँ पे 0 होता है, तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास थीटा की वैल्यू जब हमने 30 रखी तो हमारे पास 1/2 आ गया। अब थीटा 30 एंगल हमारे पास ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ठीक है, ये 30 की और नहीं, तो आर हमारे पास 1/2 है, यानी कि 0.5 है, तो हमने यहाँ पे 0.5 लेट किया। ये तो हमने लेट यहाँ तक, ये इसको हमने यहाँ तक कंसिडर किया ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पाई बाय 6। पाई बाय 6 है 60 और एंगल क्या है, स्केयर रूट 3/2, दैट इज इक्वल टू 0.8। ये वैल्यू 0.8 है, ये 0.5 थी, तो 0.5 से ऊपर कहीं यहाँ पे 0.8 बनेगा। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या है, 60। तो 60 वाली लाइन हमने ये ड्रा की, ये और 60 वाले के सामने यहाँ पे ये डॉट डाल दिया इसके सामने। ठीक है, देन हमने ड्रा किया पाई 90 पे, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी ये। ठीक है, और इस पर वैल्यू क्या है, 1, तो 1 यहाँ पे पॉइंट था, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया। सेम यहाँ पे 120 था, 120 हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा 90 से आगे ये। अब 90 पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, 120 पे वैल्यू थी स्केयर रूट 3/2, यानी कि यहाँ पे ही दोबारा, तो इसके सामने यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ पे डॉट आएगा इस लाइन के ऊपर। ठीक है, देन हमने ये नेक्स्ट लाइन ड्रा की यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट बना था। सेम हमने सारे पॉइंट बना लिए और हम सब पॉइंट को जब मिलाया तो हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा। इन्होंने यहाँ तक जस्ट पॉइंट को लेबल किया है। ठीक है, कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट फर्दर भी इसको लेबल कर सकते हो और जो भी आएंगे पॉइंट यहाँ पे इसके अंदर ही बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा इस तरह से। अगर आपको एक वैल्यू गिवन है तो उसी फंक्शन के अंदर दूसरी वैल्यू पुट करके आप इस तरह से एक पॉइंट बना सकते हो पोलर कोऑर्डिनेट का। ठीक है, और उसको वैल्यू, उस वैल्यू को आप एक्स वाई प्लेन के अंदर पुट करके, ठीक है, उसको आप लेबल कर सकते हो। और क्योंकि उनको पता होता है कि स्टूडेंट को ये बनाना नहीं आता वर्ड के अंदर, ठीक है, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट है स्केचिंग द कर्व्स इन अ पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें सिंपली हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन क्या होती है, हमारे पास ये जो लाइन है ये वाली, तो कह रहे हैं कि इसके अलोंग जब सिमेट्री होगा तो ऐसे ये हमारे पास एंगल बनेगा। नेक्स्ट है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस क्या है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो लाइन बनेगी इसको कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको अगर डायग्राम दे दें तो आपने बताना है कि ये सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन है और ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, आर थीटा, आर माइनस थीटा। कह रहे हैं कि आर थीटा, यानी कि ये वाला पोर्शन लेते हैं आर थीटा और ये जो नीचे है, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू माइनस होती है, तो ये आर माइनस थीटा की कंडीशन है। ठीक है, ये अबाउट सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन है और इसमें हमारे पास क्या है, आर थीटा को हम रिप्लेस करते हैं आर पाई माइनस थीटा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे वैल्यू होती है 180 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आर है तो यहाँ पे पाई, यानी कि 180 ये कंप्लीट यहाँ तक होता है। ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या है, ये सेंटर वाली वैल्यू, तो कह रहे हैं कि पाई में से, यानी कि 180 में से हम थीटा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है निकाल देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास होगी। ठीक है, तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है, ये वाली कंडीशन याद रखनी है, एक ये जो हाईलाइटेड है, ठीक है, ये चीज़ें याद करनी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिंपली बस आपको ये पता हो कार्डियोइड्स क्या होते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। कार्डियोइड्स का मतलब होता है हार्ट की जो शेप होती है, ठीक है, इसकी चार तरह की होती है, एक लेफ्ट पे, राइट पे, अप डाउन। ठीक है, अब देखें जब हार्ट आपके पास इस तरह से होगा, यानी कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे होगा, तो आपके पास आएगा A1 cos थीटा। अगर तो इस साइड पे है तो आपके पास माइनस आएगा, और अगर इस साइड पे है तो सेंटर में प्लस आएगा। सेम अगर अप डाउन है तो आपके पास A1 sin थीटा आएगा, अगर आपके पास इस तरह से है तो माइनस आएगा, और अगर अपवर्ड इसकी टेल बन रही है तो प्लस आएगा। ठीक है, बस ये आपने चार
डायग्राम याद रखनी है और इसके चार फॉर्म। अगर आपको ये डायग्राम दे देते हैं और कहते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है चारों में से, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़े, ठीक है, इस तरह से ये आएगा, आया भी तो। और उसके बाद ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है, कार्डियोइड की चार कंडीशन है। अगर इन्हीं कंडीशन के अंदर आप बी की जगह पे, ए की जगह पे बी पुट कर दो, इक्वल कर दो, तो वो हमारे पास लिमा कोन बन जाता है। लिमा कोन की शक्ल हार्ट की तरह ही होती है, लेकिन उसके ये नोक की जगह पे यहाँ पे सर्कल होता है और उसके अंदर एक लूप होता है, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम आ जाए तो आपने कहना है ये लिमा कोन की है और ये कार्डियोइड्स की है, और अगर कार्डियोइड्स में ए इक्वल टू बी हो तो वो लिमा कोन ही होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बस यहाँ पे लिमा कोन की कंडीशन याद रखनी है। उसके बाद ये जो चीज़ होती है, ठीक है, ये पेटल्स होते हैं बने हुए, ठीक है, इसके उसके बाद आपने यहाँ पे रोज कल का, ये जो पेटल्स बने हुए, ये रोज होता है ना, रोज रोज का, तो ये इसके पेटल्स बने हुए, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये दो कंडीशन याद रखनी है रोज की। ये आपसे पूछ सकते हैं रोज कल की कंडीशन क्या है, उसकी इक्वेशंस क्या है, या आपके पास लिमा कोन की क्या है या कार्डियोइड्स की क्या है, ठीक है, तीनों की आपने इक्वेशन याद रखनी है, ये दो, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास फोर पेटल हैं, ये देखें एक दो तीन चार फोर पेटल है, ठीक है, एन इज इक्वल टू टू है, और यहाँ पे थ्री पेटल है। स्पिरल का मतलब होता है एक चीज़ जो मुसलसल राउंड ऑफ होती रहती है ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं स्पिरल। इसके लिए आपने ये इक्वेशन याद रखनी है और ये कंडीशन, जस्ट इन्फिनाइटली मेनी टाइम, यानी कि बार बार जो चीज़ रिपीट होती रहती है सर्कुलर मोशन में ऐसे, ठीक है, उसको कहते हैं ये ऐसी ऐसी शक्ल होती है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस इसकी शक्ल आपको पता होनी चाहिए इन तीनों चीज़ों की, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इशू हो। बाकी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।